हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज हम बात करने वाले हैं कि रेडिएशन क्या होता है। आइए जानते हैं। तो यहां पे रेडिएशन का सिंपल मीनिंग होता है, रेडिएशन को हम हिंदी में विकिरण कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वातावरण यानी एनवायरनमेंट में एक फैली हुई एनर्जी है यानी ऊर्जा है, जिसे हम ना ही देख सकते हैं और ना ही हम इसको महसूस कर सकते हैं। इसे हम रेडियो वेव्स भी कहते हैं यानी रेडियो तरंगे भी कहते हैं। कुछ तरंगे यानी कुछ जो रेडिएशन है वो तो हमारे द्वारा बनाया गया है, जैसे कि मोबाइल के नेटवर्क जो कि टावर से आपके मोबाइल में आ रहे हैं, ये तरंगों द्वारा आ रहा है, तो ये तो हमारे द्वारा बनाई गई हैं। पर कुछ प्राकृतिक होती है, जैसे कि सूरज की रोशनी, उसमें भी रेडिएशन होता है, पर वो एक ओजोन लेयर होती है हमारे धरती के ऊपर, जिसकी वजह से वो एक तरह से फिल्टर हो जाती है और ये रेडिएशन हमको नुकसान नहीं पहुँचाता है। और मैं आपको बता दूं, मोबाइल के अलावा टीवी के रिमोट और एक्सरे में भी एक तरह का रेडिएशन होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने कभी एक्सरे कराया होगा, अपने रिश्तेदारों का एक्सरे करवाया होगा, तो आपसे बोला जाता होगा कि बाकी परिवार के लोग साइड में खड़े हो जाएं या रूम के बाहर हो जाएं, क्योंकि उसमें भी एक तरह का रेडिएशन होता है जो कि अगर हमारे शरीर के कॉन्टैक्ट में आता है तो हमें ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा माइक्रोवेव जो होता है उसके अंदर भी रेडियो एक्टिव तरंगे होती है जो कि हमारे खाने को गर्म करती है। और रेडिएशन वैसे दो तरीके की होती है, एक अच्छी होती है यानी जिससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, एक तरह का रेडिएशन वो होता है, और एक रेडिएशन वो होता है जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। कई सारे परमाणु हथियार में रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से विस्फोट के कई दिनों बाद तक रेडिएशन की वजह से हमें मानसिक बीमारी हो सकती है और कई तरह की बीमारी हो सकती है। तो रेडिएशन आप समझ गए होंगे, एक तरह की तरंगे जो वातावरण में फैली रहती है, जो कि ना ही हमको दिखाई देती है और ना ही हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो शायद आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।